आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। इफ्तार पार्टी के लिए औरंगाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। लाउडस्पीकर विवाद पर ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा जब बीजेपी पावर में थी तो लाउडस्पीकर से नहीं थी कोई दिक्कत। कहा जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बुलडोजर रूल करता है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। मुस्लिम समुदाय को सजा दे रही है बीजेपी, ऐसा आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बोले ओवैसी। उन्होंने कहा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, तो इस वक्त की बड़ी खबर। इफ्तार पार्टी के लिए औरंगाबाद पहुंचे ओवैसी ने लाउडस्पीकर विवाद पर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया ज्यूरिसप्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर ज्यूरिसप्रूडेंस, क्योंकि वहां की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। क्या है, दो भाइयों का झगड़ा है, वो क्या करना है। हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पीस को मेंटेन करने की ये 1 in 3 सरकार जो है इनकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहां की सरकार की है।